हाय फ्रेंड्स, मैं वली रजा और आप देख रहे हैं लास्ट स्कूल। आज हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स के वाले से लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें हम जो है प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट्स जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जिसे जो है हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम म्यूनिसिपल एंड इंटरनेशनल राइट्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले वही रिक्वेस्ट है तो फिर रिपीट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। इसके अलावा और बहुत सी वीडियोज हैं जो कि मेरे चैनल पर इस वक्त मौजूद है, तो आप वहां पर चैनल पर क्लिक करके जो है बहुत सी लॉ रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट्स। तो अगर हम राइट्स की बात करें तो बेसिकली इस तरह मैं हर एक जो है काइंड है उसमें इसी तरह से आपको जो है वो डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि दो तरह के राइट्स होते हैं आपके। एक तो आपके प्रिंसिपल राइट हो गए, मिसाल के तौर पे आपका अपना जो घर है उसके ऊपर आपका जो राइट है वो आपका प्रिंसिपल राइट है। आपकी जो कार है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी चीज आपकी है उसके ऊपर जो भी आपका राइट होगा वो आपका प्रिंसिपल राइट होगा, आपका कंप्लीट राइट होगा। तो मैंने बात की कि ये जो आपके कंप्लीट राइट होते हैं जिन पर आपका कंप्लीट कंट्रोल होता है वो आपके प्रिंसिपल राइट कहलाते हैं। अब एक्सेसरी राइट कौन से होंगे? एक्सेसरी राइट आपके वो राइट होते हैं जो कि राइट प्रिंसिपल राइट से ही रिलेट कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल राइट्स की वजह से ही वो राइट्स हैं वो बनते हैं। किस तरीके से, पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ उसके बाद एक्सेसरी राइट्स को समझाता हूँ। जो एक किरायेदार का एक मकान के ऊपर जो राइट होता है वो उसका प्रिंसिपल राइट नहीं होता, वो उसका एक्सेसरी राइट होता है। एक जो राइट ऑफ वे है या जितने भी इजमेंट के जितने भी राइट आते हैं, लास्ट टाइम हमने राइट इन रीप्रॉपर्टी और राइट इन री एलिना के अंदर ये डिस्कशन की थी इजमेंट के बारे में। तो ईजमेंट के जितने भी आपके राइट्स हैं ये एक्सेसरी राइट्स आते हैं। यहाँ पर उसने कहा कि ये अनेक्स्ड होते हैं प्रिंसिपल राइट के साथ और इनका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है प्रिंसिपल राइट के साथ। जो इसका प्रिंसिपल राइट होता है उसका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है, या जो बंदा इंजॉय कर रहा होता है बेसिकली उसका भी जो है वो बेनिफिशियल, उसको भी जो है वो बेनिफिट हो रहा होता है एक्सेसरी राइट्स की वजह से। ये कंप्लीट राइट्स नहीं होते। यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, जो है वो टेनेंट की है एक मकान के ऊपर, इसके अलावा इजमेंट के जो भी राइट्स होते हैं ये आपके सारे के सारे जो है ये प्रिंसिपल राइट्स में आते हैं। इसकी समरी क्या होगी कि आपके जो कंप्लीट राइट्स हैं वो आपके प्रिंसिपल राइट्स, और जो आपके इन प्रिंसिपल राइट्स की वजह से जनरेट होते हैं या जो एक बंदे के प्रिंसिपल राइट है और दूसरे बंदे का जो राइट जनरेट हो रहा है उनको आप जो है वो एक्सेसरी राइट्स कहेंगे। जैसे इजमेंट, और मैंने वही बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके अलावा जो है वो रेंट पे अगर आपने मकान लिया तो उसके ऊपर जो आपके राइट्स होंगे वो एक्सेसरी राइट्स होंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर होगा वो म्यूनिसिपल एंड म्यूनिसिपल एंड इंटरनेशनल राइट। म्यूनिसिपल राइट्स आपके वो राइट्स होते हैं जो आपको स्टेट लॉ के तहत जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। एक ही स्टेट के अंदर रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको जो राइट्स दिए जाते हैं वो म्यूनिसिपल राइट्स कहलाते हैं। स्टेट लॉ के तहत ये प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसकी एक और जो चीज है कि तो जितने भी सिटीजन होते हैं वो इसे इक्वली इंजॉय करते हैं। हर सिटीजन के पास जो है वो ये राइट होता है। अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इंटरनेशनल जो राइट्स हैं ये आपको इंटरनेशनल लॉ के तहत प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये हर इंडिविजुअल के पास, हर स्टेट के हर इंडिविजुअल के पास ये राइट्स नहीं होते बल्कि ये उन्ही इंडिविजुअल के पास होते हैं जिनको इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है। जिन इंडिविजुअल्स को इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा होता है उन्हीं को ये राइट्स मिलते हैं। उसके अलावा ये राइट्स जो है वो हर एक इंडिविजुअल को नहीं मिल रहे होते। इंटरनेशनल लॉ जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या, सॉरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, तो ये उन्हीं को जो है ये राइट्स मिल रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अलावा भी कुछ राइट्स हैं जिनको लोग जो है वो कहते हैं, जैसे ऑर्डिनरी एंड फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अलावा इनहेरिटेबल एंड अनइनहेरिटेबल राइट्स हैं। ये और भी तीन चार काइंड जो बताई जाती है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और उनको नाम ही से बड़ा क्लियर हो जाता है। जैसे इनहेरिटेबल एंड अनइनहेरिटेबल, तो नाम ही से क्लियर हो जाता है कि ये किस तरह के राइट्स होंगे। तो इस तरीके से और भी कुछ लोग जो है इसकी कुछ जुरिस्ट्स की काइंड बताते हैं लेकिन मैंने उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर ही अपना टॉपिक जो है वो एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।